हाय गाइस, आज की ये हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो के रिलेटेड मेरे को काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे एंड इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी फोटोज़ में कलर ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी फोटोशॉप में। अब एडिटिंग में कलर ग्रेडिंग से पहले का जो प्रोसेस होता है वो आप सब लोगों के लिए जानना ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले जब आप अपनी फोटो को एडिट करते हो तो सबसे पहले आपको स्किन को रिटच करना है, देन आपको डोज एंड बर्न करना है, फिर उसके बाद अपनी फोटोज़ में कलर ग्रेडिंग करनी है। सो स्किन रिटच और डोज एंड बर्न की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, सो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहां से वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम अपनी फोटोज में कैसे कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा आसानी से। सो आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है, जल्दी से इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब एंड यार बेल आइकन भी दबा लेना जिससे आप हमारी कोई वीडियो मिस ना करें एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, चलते हैं वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये वाली फोटो है जिस पे आज मैं आपको कलर ग्रेडिंग करके दिखाऊंगा। सो इस फोटो पे मैंने स्किन रिटचिंग पहले ही कर रखी है, डोज एंड बर्न पहले ही कर रखा है और लाइट को एडजस्ट पहले ही कर रखा है, जिनकी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सो आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हो। आपको मैं बिल्कुल नॉर्मल अपनी ये फोटो दिखा देता हूँ। सो ये हमारी बिल्कुल नॉर्मल फोटो है जिसको बिल्कुल भी मैंने एडिट नहीं किया हुआ है एंड इसके बाद इस पर मैंने थोड़ी एडिटिंग की हुई है, जिनकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इन्हें देख सकते हो। सो कलर ग्रेडिंग करने के बाद हमारी ये फोटो कुछ ऐसी बन जाएगी। सो अब चलते हैं कलर ग्रेडिंग करते हैं। सो इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। सो ये वाली लेयर है, सो सबसे पहले मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ जिससे कि मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा सकूँ। सो ये वाली जो लेयर हमने कॉपी बनाई इसको सेलेक्ट करेंगे एंड सबसे पहले हम जाएंगे फिल्टर में। फिल्टर में जाने के बाद हम जाएंगे कैमरा रो फिल्टर में। कैमरा रो ओपन होने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा एंड आपको सबसे पहले सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन में जाना है, कैलिब्रेशन टैब में जाना है इसमें। एंड जो सबसे नीचे का जो स्लाइडर होता है, ब्लू प्राइमरी का जो सेचुरेशन वाला स्लाइडर है, उसको आपको इंक्रीज कर देना है। अराउंड आप 70 के आसपास उसको रखें और आप इससे देख सकते हैं कि आपकी जो फोटो है उसमें कितने अच्छा एक कलर्स पॉपअप हो चुके हैं पूरे ही। सो ये आप अपनी फोटोज़ में जरूर कीजिए जिससे आपकी फ़ोटोज़ के जो कलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये लो लाइट में फ़ोटो क्लिक हुई है ना तो इसमें कलर्स थोड़े कम हैं एंड इसको करने के बाद इसमें कलर्स हैं जो वो अच्छे से आ जाएंगे। एंड देन आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और स्लाइडर्स मिल जाते हैं जिनको आप कम ज़्यादा करके अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हो, सो मैं आपको दिखाता हूँ। सो अब हम ब्लू का ह्यू को चेंज करके देखते हैं। सो हम इसको थोड़ा नेगेटिव रखते हैं एंड अब जाएंगे ग्रीन प्राइमरी के सेचुरेशन को। सो इसको थोड़ा ज़्यादा करके एंड इसको भी इंक्रीज कर देते हैं एंड अब रेड प्राइमरी पे जाएंगे, इसकी सेचुरेशन देखते हैं हम, इसमें भी हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं एंड इसका ह्यू भी हम थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं जिससे हमारी बैकग्राउंड में जो लाइट आ रही है गोल्डन वो और ज़्यादा हो जाए। एंड इसके बाद हम जाएंगे हम HSL वाले टैब में। सो HSL वाले टैब में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सेचुरेशन वाला टैब ओपन करना है। आपने सेचुरेशन वाला टैब क्यों ओपन करना है, क्योंकि आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपके फ़ोटोज़ में कलर्स कितने ज़्यादा होने चाहिए, आपके फ़ोटोज़ में कलर्स की सेचुरेशन कितनी ज़्यादा या कितनी कम होनी चाहिए। सो सबसे पहले रेड है, रेड को हम लिटिल बिट इंक्रीज़ कर देते हैं, ऑरेंज को भी लिटिल बिट इंक्रीज़ कर देते हैं, येलो ऐसे ही रहने देते हैं, येलो ऑलरेडी हमारी फ़ोटो में काफ़ी है एंड ग्रीन को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि हमने ग्रीन का जो ह्यू है वो बिल्कुल येलो की तरफ करना है। सो एक्वा को इतना ही रहने देते हैं, ब्लूज़ को भी इतना रहने देते हैं और पर्पल और मजेंटा को हम बिल्कुल कम कर देते हैं जिससे पर्पल और मजेंटा की शेड हमारी फ़ोटो में बिल्कुल भी ना आए। एंड अब जाएंगे हम ह्यू वाले टाइम में। ह्यू वाले टाइम में जाने के बाद हम ग्रीन की सबसे पहले ग्रीन की ह्यू को बिल्कुल नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे जिससे जो ग्रीन है वो थोड़ा येलो हो जाएगा एंड येलो को लिटिल बिट डिक्रीज कर देते हैं। एंड आप और भी स्लाइडर्स देख सकते हैं जैसे आपको करने हैं, मतलब इसको मैं थोड़ा इस तरफ ले जाता हूँ जिससे मेरी शर्ट का कलर है जो इक्वल सा हो गया, मतलब ब्लू ब्लू दोनों मैच हो रहे हैं, इससे ये अलग लग रहा है तो इस तरफ कर देते हैं। सो उसके बाद आपको जाना है ल्यूमिनेंस वाले टैब में। सो सबसे पहले ल्यूमिनेंस वाले टैब में आपको ऑरेंज की वैल्यू को थोड़ा बढ़ा देना है जिससे आपकी स्किन है वो और ब्राइट हो जाएगी। येलो भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो मैं बाकी तो हमारी फ़ोटो में अभी सही है बिल्कुल, थोड़ा ब्लूज़ को बढ़ा लेता हूँ मैं जिससे हमारी शर्ट है ना वो एक्चुअल वाइट हो जाए। एंड आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा हमारी फ़ोटो में फ़र्क आ चुका है। एंड अब करते हैं ओके।
कैमरा रो के बाद हम जाएंगे एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में, यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर लेंगे हम सिलेक्टिव कलर, आपको ये यहाँ से मिलेगी, यहाँ पे सर्कल वाला आइकन है, इस पर क्लिक करो और सबसे लास्ट में सिलेक्टिव कलर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स आ जाएगा, आपको सबसे पहले ऊपर देखने को मिलेगा प्रेजेंट, इसको आप डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, कलर्स आपको यहाँ पे सभी मिल जाएंगे। सो बेसिकली इससे ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर कलर के चार स्लाइडर्स मिल जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे चार स्लाइडर्स मिल जाते हैं और फर्स्ट तीन स्लाइडर्स हैं वो कलर्स के हैं, आपको लेफ्ट साइड तीन कलर्स मिल जाएंगे, राइट साइड भी तीन कलर मिल जाएंगे, मतलब आप एक कलर को सिक्स कलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो लास्ट का स्लाइडर है ब्लैक, इससे आप उसकी कंट्रास्ट वगैरह ब्लैक्स और वाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पे सियान, फिर मजेंटा, फिर येलो, और मैं आपको ये आसान तरीके से बता देता हूँ, एक मिनट। सो गाइस अब आप देखोगे आपके पास यहाँ सियान कलर है, मजेंटा कलर है और येलो कलर है, CMY। सो इन तीनों के अपोजिट होता है RGB। ऐसे ही RGB के अपोजिट होते हैं कलर CMY, मतलब रेड के अपोजिट होगा सियान, ग्रीन के अपोजिट होगा मजेंटा, ब्लू के अपोजिट होगा येलो। और आपको भी ऐसे ही यहाँ पे स्लाइडर्स मिल जाते हैं, मतलब ये आपको सियान और रेड, आपको लेफ्ट साइड सियान लिखा आ रहा है बट आप जब स्लाइडर को लेफ्ट साइड करोगे तो आपका रेड होगा एंड राइट साइड करोगे तो सियान होगा। एंड ये ऐसे ही आपको मजेंटा में, अगर आप मजेंटा को लेफ्ट साइड करोगे तो आपको ग्रीन टोन आएगा आपकी फ़ोटो में, और अगर मजेंटा को राइट साइड करोगे तो आपको मजेंटा मिलेगा। ऐसे ही स्लाइडर काम करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं डेडिकेटेड वीडियो सिलेक्टिव कलर पे लेके आऊँ तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। अब चलते हैं हम अपनी फ़ोटो में। सो आप देखो कि मैं यहाँ पे रेड की वैल्यू है उसको थोड़ा और ऐड कर रहा हूँ, इसको लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ, एंड रेड को मैं थोड़ा येलो कलर में भी कन्वर्ट कर देता हूँ। सो आप देखो इस तरफ आपको राइट साइड येलो मिलेगा, मतलब जिस तरफ लिखा है उससे दूसरी तरफ आपको वो कलर मिलेगा। सो मैं इसको लिटिल बिट कर देता हूँ, एंड अब हम यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब येलो में भी आपको सेम स्लाइडर्स मिलेंगे, मतलब हर एक कलर में आपको सेम ही स्लाइडर्स मिलेंगे। सो येलो की मैं बिल्कुल, येलो को मैं बिल्कुल रेड में कर देता हूँ थोड़ा, एंड यहाँ से स्लाइडर को हम थोड़ा कम कर देते हैं। आप यहाँ से ब्लैक वाइट कंट्रोल कर सकते हैं, मैं रेड को थोड़ा ब्राइट कर देता हूँ ऐसे। एंड और कलर्स हमारी फ़ोटो में आप देख सकते हो, अभी तो है नहीं ग्रीन, तो है नहीं बिल्कुल भी हमारी फ़ोटो में। सियान है तो सियान को मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरी शर्ट में कलर है, तो मैं इसको एक्चुअल ब्लू बना लेता हूँ लाइक दिस एंड ऐसे। अब ब्लूज भी हमारी फ़ोटो में चेंज करने के लाइक है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, वाइट्स में जाते हैं। सो वाइट में आप जो है ब्लैक है उसको थोड़ा ब्राइट कर दो, जिससे आपकी फ़ोटो में जो जो वाइट पार्ट है वो और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। सो अब आप देख सकते हो कि सिलेक्टिव टूल से हमारी जो फ़ोटो है वो कितनी ज़्यादा ऑसम हो चुकी है, मतलब बिल्कुल ही कलर्स बदल चुके हैं। अब हम एक बार और एडजस्टमेंट टूल से सिलेक्टिव कलर को ऐड करते हैं, एंड अब रेड की वैल्यू को थोड़ा, रेड को ऐसे ही रहने देते हैं, येलो को अब चेंज करते हैं। तो येलो को अब इस तरफ ले जाएंगे, मैजेंटा वगैरह इस तरफ ले जाएंगे एंड ये इस तरफ। सब हमारी फ़ोटो में काफ़ी अच्छे कलर्स हो चुके हैं। सो सेकंड सिलेक्टिव कलर के बाद हम इसमें एक PNG ऐड करेंगे, एक ओवरले ऐड करेंगे लाइट का। सो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसकी हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं यहाँ से स्क्रीन, एंड इसको इस तरफ रखते हैं क्योंकि इस तरफ से ही लाइट आ रही है, एंड इसका हम साइज़ बढ़ा लेते हैं इसे। सो इतना इसका साइज़ ठीक है, एंड हम इसको टिक कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपने लाइट ऐड किया है उसका आपको एक मास्क बना लेना है यहाँ से, देन आपको ब्रश टूल में जाना है और मेक श्योर आपका जो कलर है वो ब्लैक हो। आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आपका मास्क है जो वो वाइट कलर का है तो आपको अगर वो इरेज करना है तो आपको कलर उससे अपोजिट चूज़ करना होगा, अगर वाइट है तो ब्लैक, अगर ब्लैक है तो वाइट। सो ऐसे ही मैं इसको यहाँ से थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ये मेरे फेस पर ज़्यादा आ रहा है ऐसे, इसको ऐसे कर देते हैं। अब आप देख सकते हो कि एक तरफ हमने लाइट भी ऐड कर लिया है, और लाइट ऐड करने के बाद हमारी फ़ोटो में एकदम जान सी आ गई है। सो ये लाइट आप भी ज़रूर अपनी फ़ोटोज़ में ऐड करें, आप लाइट से ऐड कर सकते हो, और भी काफ़ी ओवरलेस मिलते हैं तो वो भी आप अपनी फ़ोटोज़ में ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड अब हम इसको मर्ज कर लेते हैं। सो मर्ज करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एल्ट और ई प्रेस करना है, जिससे आपकी जो नीचे की सभी लेयर्स हैं वो एक लेयर में
आ जाएंगी। सो अब हम मर्ज वाली लेयर को सिलेक्ट करके कैमरा रॉ फिल्टर में चलते हैं। एंड यहाँ से हमारा जो फेस है वो थोड़ा डार्क लग रहा है, तो मैं सबसे पहले उसका ल्यूमिनेंस बढ़ा लेता हूँ ऑरेंज का ऐसे। सो ये अब ठीक है। एंड अब जाएंगे हम थर्ड लास्ट वाले में, एफएक्स वाले इफेक्ट्स में। सो इसको मैं विनेट ऐड कर लेता हूँ यहाँ से थोड़ा। सो ऐसे इसको ऐड कर लेते हैं। एंड अब आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन चुकी है। बस अब इसमें कुछ फाइनल टच हम दे देते हैं। सो सबसे पहले हम रेडियल फिल्टर यहाँ से चूज़ करेंगे, आपको ये ऊपर से मिलेगा। यहाँ से आप इसको ऐसे ड्रैग करो एंड इसको आप अपने फेस पे रखो। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। एंड इसका आपको एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा देना है, जिससे आपका फेस और ब्राइट हो जाएगा ऐसे। एंड अब आपको ग्रेजुएटेड फिल्टर चूज़ करना है। एंड इसको आपको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है और आपको ये नीचे नीचे ही रखना है। एंड इसका आपको एक्सपोजर कम कर देना है, थोड़ी क्लैरिटी आप बढ़ा सकते हो। एंड अब आपको ये एडजस्टमेंट ब्रश टूल सेलेक्ट करना है एंड इसका साइज़ आपको कम कर देना है ऐसे। आप इस ब्रश को चूज़ करके अपने हेयर्स पे पेंट करो ऐसे। एंड जो वैल्यू है आप पहले को नॉर्मल रखो सभी। एंड आपने यहाँ पे पेंट कर दिया, सब हम इसकी क्लैरिटी बढ़ा लेते हैं। एंड आप देख सकते हो क्लैरिटी बढ़ाने के बाद हमारे हेयर्स में कितनी अच्छी शाइनिंग आ चुकी है। आपको मैं कम करके भी दिखा देता हूँ और ज़्यादा भी। सो यहाँ से अब हम करते हैं अपनी फ़ोटो को ओके। सो गाइज आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो जो है कम्प्लीट रिटच हो चुकी है। मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। सो ये हमारी फ़ोटो थी जिसमें हमने कलर ग्रेडिंग नहीं की थी एंड इसमें हमने कलर ग्रेडिंग किया। सो गाइज आपने देखा कि मैंने कैमरा रॉ फिल्टर और सिलेक्टिव कलर से ही अपनी फ़ोटो में कितनी अच्छी कलर ग्रेडिंग कर ली है। सो गाइज आप भी जब कलर ग्रेडिंग करो तो कैमरा रॉ तो आप यूज़ करते ही होंगे, बट आप सिलेक्टिव कलर का भी ज़रूर से यूज़ कीजिए, क्योंकि यार इससे हमारी फ़ोटो जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा औसम बन जाती है। सो गाइज आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो कर दीजिए लाइक और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। एंड फोटोग्राफी और एडिटिंग के रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। एंड आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी कमाल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय।